कौन बनेगा प्रधानमंत्री, पूरे देश की नजर लगी हुई है इस वक्त भारत के ऊपर और पूरे राज्य हो, देश प्रदेश सभी जगह से लोग देख रहे हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और ये गणित बहुत अजीब सा फंस गया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां वादे कर रही हैं, रुझान दे रही हैं और बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। तो आज हम लोग दिल्ली की बात करेंगे, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर का क्या चल रहा है माहौल और कौन लड़ रहे हैं वहां से उम्मीदवार। हम आपको बता दें जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की, बीजेपी के अंदर जो आपके चांदनी चौक विधानसभा से लड़ रहे हैं वो है हर्षवर्धन, बीजेपी के कैंडिडेट है हर्षवर्धन जो अभी एमपी भी हैं, और कांग्रेस पार्टी से हैं जेपी अग्रवाल। और हम लोग बात करें बीएसपी की तो बीएसपी है शाहिद अलीवी, एडवोकेट हैं ये और बहुत अच्छे जमीनी कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज के अंदर बहुत अच्छी पकड़ भी रखते हैं अपनी, शाहिद अलवी जी। और आप पार्टी की बात करें तो यहाँ पर पंकज गुप्ता जी हैं जो लड़ रहे हैं चांदनी चौक से, ये चांदनी चौक के हमने आपको नाम बता दिए, हर्षवर्धन जी हैं और जेपी अग्रवाल जी हैं और एडवोकेट शाहिद अलवी हैं, अली हैं और पंकज गुप्ता हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे रोमांचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो है मनोज तिवारी, और जो भोजपुरी गायक हैं जिन्होंने ढेर सारी फिल्में आपको देखने को मिलेंगी, भोजपुरी रोमांटिक गाने आपको देखने को मिलेंगे, जो बहुत अच्छे गायक हैं भी हैं और एक्टर भी हैं। और वहीं पे कांग्रेस की शीला दीक्षित, सबकी चहेती शीला जी, यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं, दोनों में बहुत अच्छा मुकाबला है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के अंदर जो बाजी मार के ले जाने वाला है वो है बीएसपी का कैंडिडेट, उनका नाम है राजबीर सिंह। और राजबीर सिंह बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और अपनी जो पकड़ है समाज के अंदर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, और मुस्लिम और जो कैडराइज वोट है बहुजन समाज का वो उन्हें बहुत अच्छे से मिल रहा है यहाँ पर, और जमीनी कार्यकर्ता हैं काफ़ी टाइम से और काफी लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और यहीं से हैं दिलीप पांडे, आप देखिए यहाँ पे पांडे जी हैं और तिवारी जी हैं और शीला दीक्षित जी हैं, कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन तीनों की लड़ाई में जो वोट बैंक बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है राजबीर जी का। अब राजबीर जी का जो वोट बैंक बढ़ रहा है उससे बहुजन समाज की ये सीट कंफर्म नजर आती है कि बीएसपी के पाले में जो ये वाली सीट है ये तो कंफर्म होगी, और भी हम लोग देखते हैं आगे क्या रहता है। और दिल्ली के अंदर अगर नई दिल्ली की बात ना हो तो अधूरी रह जाती है कहानी। न्यू दिल्ली के अंदर है मीनाक्षी लेखी जी, बीजेपी से हैं जो सांसद हैं अभी, और वहीं से कांग्रेस से हैं अजय माखन। लेकिन यहाँ पे अजय माखन और मीनाक्षी लेखी के बीच में जो पेच अटका हुआ है वो है सुशील वढ़ेरा जी हैं, जो बिजनेसमैन हैं और जो पकड़ भी अच्छी रखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी टाइम से समाज के अंदर काम कर रहे हैं जमीनी लेवल पे। और यहीं से हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं वो हैं ब्रजेश गोयल, जो आम आदमी पार्टी से हैं। और नॉर्थ ईस्ट लोकसभा से हैं हंसराज हंस, यहाँ पे हम आपको बता दें कि उदित राज जो बहुजन समाज के नेता हुआ करते थे, जिसे बीजेपी बोला करती थी कि दलितों के नेता हैं, उनको उन्होंने टिकट वहाँ से नहीं दिया है, लेकिन यहीं से हंसराज हंस गायक को टिकट दे दिया है। और यहाँ पे उदित राज की बात हम बात कर रहे हैं तो उदित राज के बारे में बता दें कि उन्होंने आज ही कांग्रेस को भी ज्वाइन कर लिया है, और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को काफ़ी टाइम से ज्वाइन करना चाह रहा था। तो ये नेताओं का चलता रहता है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। और यहीं से जो है, जो हमने बताया कि नॉर्थ ईस्ट से जो है वो हंसराज हंस हैं और बीजेपी से, और यहाँ कांग्रेस से हैं राजेश लिलोठिया, और यहाँ पे हैं, और यहीं से बीएसपी के उम्मीदवार हैं सतीश कुमार सासी, जो अपनी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और सासी समाज जो है वो बहुत अच्छी उसमें फैला हुआ है। और यहाँ पे गठबंधन का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन हुआ है उसका भी दिल्ली में असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बहुजन समाज जिसे बोला जाता है वो 85% है, और 85% का रिजल्ट यहाँ पे आंकड़े कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और वेस्ट दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे हैं जो बीजेपी से हैं वो हैं परवेश वर्मा हैं, और कांग्रेस के हैं महाबल मिश्रा जी हैं, और यहीं से जो उम्मीदवार हैं बीएसपी के वो हैं सीता शरण सेन हैं, जो बहुजन समाज पार्टी ने जो कैंडिडेट चुने हैं वो बहुत अच्छे सोच समझ के चुने हैं। और यहीं से आम आदमी पार्टी से हैं बलबीर सिंह। और साउथ दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हैं रमेश विधूरी हैं, जो अपनी पकड़ बहुत अच्छी मजबूत रखते हैं, और जो कांग्रेस के हैं वो विजेंदर सिंह हैं, और जो बीएसपी के हैं वो एडवोकेट सिद्धांत गौतम हैं, जो अपने गौतम के नाम के हिसाब से ही बहुत अच्छे एडवोकेट भी हैं और बहुत अच्छे
जमीनी कार्यकर्ता भी हैं, अच्छे से पकड़ बना रखी है, और आम आदमी पार्टी से हैं राघव जी हैं यहाँ से। तो जो जाति समीकरण के आधार पे यहाँ के जो प्रभारियों ने, दिल्ली के जो प्रभारी हैं सीपी सिंह साहब जी हैं, सुरेंद्र जी हैं और महेश आर्या जी हैं, सब लोगों ने मिलकर जो यहाँ पे टिकट वितरण करा है वो बहुत मेहनत से करा है। 23 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या रिजल्ट रहते हैं। तो अब हम लोग इंतजार करते हैं जो दिल्ली के 7 सीटों के ऊपर कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उन सबके हमने नाम बताए। अब देखना यह है कि दिल्ली के लोग किसको चुनते हैं अपना एमपी और देश के अंदर किसको बनाते हैं प्रधानमंत्री। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगर आप चाहते हैं हमारे पास कोई भी अपनी खबर देनी चाहते हैं या कहीं से भी आप हमारे पास अपना वीडियोस भेजना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी वो वीडियो एसएम न्यूज़ चैनल पे लगाई जाए और उसके साथ आपका नाम भी उसमें दिया जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।